बेहटा गोकुल पुलिस ने मोबाइल की दुकान में हुई चोरी की घटना का खुलासा किया है। आपको बता दें कि चोरी के माल सहित तीन चोरों को भी पुलिस ने धर दबोचा है। चोरों के पास से 21 मोबाइल फोन, 25 मोबाइल के चार्जर, 25 LED बल्ब, 18 स्पीकर, प्रेस, पंखा, किट, तार, हेडफोन, टार्च सहित भारी मात्रा में सामान बरामद हुए हैं। इतना ही नहीं, एक बाइक व दो अवैध शस्त्र भी चोरों के पास से मिले हैं। जनपद में अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे ऑपरेशन ऑल आउट के चलते ये बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें कि मामला बेहटा गोकुल के ट्योडर पुल का है। कितने अपराधी पकड़े गए, किस तरीके के थे ये? लगभग 10 दिन पूर्व थाना बेहटा गोकुल में टोडरपुर एक स्थान है, वहाँ पर एक बिजनेसमैन का मोबाइल एवं इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसमें से मोबाइल और सामान चोरी हो गए थे। उसके बगल में एक टेलर की दुकान थी, वहाँ से कुछ कपड़े चोरी हुए थे। आप अवगत है कि जनपद में चोरी की घटनाओं को देखते हुए ऑपरेशन ऑलआउट चलाया जा रहा है। इसी के क्रम में आज पुलिस को सूचना मिली कि इस घटना से संबंधित लोग माल बेचने के फिराक में हैं, जहां पुलिस ने दबिश दी और हिकमत अमली से तीन चोरों को पकड़ा है, जो कि पास के ही गांव के हैं। इनके नाम सचिन, सुरेंद्र और शिवम हैं। इन्हीं के द्वारा ये मोबाइल और अन्य सामान चोरी किए गए थे। सारा का सारा माल बरामद हो गया है, जिसमें लगभग 21 मोबाइल हैं, अन्य भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक्स के सामान हैं, दो असलहे भी इनके पास से मिले हैं और कुछ कपड़े भी मिले जो उन्होंने चोरी किए थे। किस तरीके के अपराधी हैं, क्या इनका कुछ? अभी तक का जो पूछताछ की गई है, ऐसा लग रहा है जैसे इनके द्वारा कार्य प्रथम बार किया गया है। हो सकता है अन्य चोरियों को देखते हुए इनके द्वारा ये प्रयास किया गया है, किंतु सारा माल बरामद हो गया है, कुछ भी कार्रवाई शेष नहीं। लगभग कितनी कीमत का माल हो गया? ये कीपैड के मोबाइल्स हैं और अन्य सामान जो है लगभग 2-3 लाख रुपये का है, ऐसा लग रहा है।